वापस आना पड़ा। अगली खबर दिल्ली से है। विनेश और पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। हरियाणा के सियासी दंगल में उतर सकते हैं फोगाट और पूनिया। जल्द ही जारी होने वाली है कांग्रेस कैंडिडेट की सूची। दोनों पहलवानों का राहुल गांधी से मिलना बड़ा संकेत है। तस्वीरें आप देखिएगा, ये फोटो बाकायदा कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है और विनेश फोगाट और दूसरी तरफ पूनिया, दोनों की मुलाकात हुई है राहुल गांधी से। हाल ही में बड़ी चर्चा में रही विनेश फोगाट, जब गोल्ड मेडल आते आते उनके हाथ से निकल गया वजन बढ़ने के कारण, और फिर अब दोनों की मुलाकात हुई है राहुल गांधी से। तो क्या ये माना जाए कि हरियाणा के चुनाव में दोनों अब खेल के मैदान से हटकर राजनीति के मैदान को संभालने वाले हैं? ये बड़ी खबर। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए कुछ बात हम आपको समझा देते हैं कि आखिर क्या होगा। जरा देखिएगा ग्राफिक्स के जरिए, क्या चुनाव में उतरेंगे फोगाट और पूनिया? बड़ा सवाल, क्या चुनाव में उतरेंगे फोगाट और पूनिया? और कांग्रेस से मिलेगी फोगाट और पूनिया को टिकट? राहुल गांधी से मिलने के क्या मायने? कांग्रेस दोनों की लोकप्रियता को बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद चर्चा और तेज हो गई है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया इस बार का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं जैसी संभावना बहुत ज्यादा है। हालांकि जब तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हो जाता, कैंडिडेट की सूची नहीं आ जाती, तब तक ये कहना मुश्किल होगा। मगर इन मुलाकातों के क्या मायने समझते हैं हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। विनेश फोगाट और पूनिया मिले हैं राहुल गांधी से, बाकायदा कांग्रेस ने फोटो भी जारी किया है। क्या ये माना जाए कि अब खेल के मैदान से राजनीति के मैदान में दिखाई देंगे दोनों? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन राहुल गांधी से मिलना और वो भी हरियाणा चुनाव के पहले, निश्चित तौर पर इन संभावनाओं को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं चुनावी चर्चा हो सकती है राहुल गांधी और पूनिया और फोगाट के बीच में। और इसके पहले भी जिस तरह से पिछले साल हमने देखा था कि लंबे समय तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष के विरुद्ध जिस तरह से पूनिया और फोगाट और उनके साथियों ने मोर्चा खोला था, तो एक कहीं ना कहीं एक सत्ता को लेकर एक नाराजगी का भाव बीजेपी सरकार को लेकर, केंद्र सरकार की, आप कह सकते हैं कि इनके मन में शायद अटका रहा होगा। और यही वजह है कि उन्होंने, क्योंकि ये मौका ऐसा भी था कि तमाम चीज़ों को दरकिनार करके बीजेपी से भी अगर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी तो ये मिल सकते थे, लेकिन शायद उन्हीं कारणों के चलते इन्होंने उस गठबंधन की तरफ बढ़ने की कोशिश की है जो बीजेपी को चुनौती देता है, और यही वजह है। तो बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता मनोज कि ये चुनावी संभावनाओं की तरफ पहुंच जाए ये मुलाकात। शरद जी, पहले भी कई खिलाड़ी राजनीति के मैदान में आते दिखाई दिए हैं, बल्कि लोकसभा तक भी पहुंचे हैं, विधानसभा में भी पहुंचे हैं। क्या ये माना जाए हरियाणा में जिस तरह की स्थितियां निर्मित है राजनीतिक स्तर पर हम देखें, हालांकि अभी सब बातें हैं आगे क्या होगा, लेकिन यदि विनेश फोगाट और पूनिया मैदान में आते हैं तो फिर मुकाबला रोचक होगा? देखिए, अभी इसके पर भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ ये सही है कि विनेश फोगाट लोकप्रियता के जो पैमाने हैं उस पर खरी उतरती हैं, और पूनिया भी एक जाने माने रेसलर हैं भारत के, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनकी व्यक्तिगत छवि और जिस पार्टी को ये चुनेंगे, क्या वो कांग्रेस होगी, ये तो भविष्य में है ये सारी चीजें, लेकिन निश्चित तौर पर इनकी चुनावी संभावनाएं काफी बेहतर होंगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जैसा शरद जी बता रहे थे कि आने वाले समय में ये तय होगा कि आखिर वो किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन तस्वीरें जिस तरह से कांग्रेस ने जारी की है उससे संभावना ये व्यक्त की जा सकती है कि अब राजनीति के मैदान में पूनिया और विनेश फोगाट दिखाई देंगे। तो नजरें रहेगी हमारी और हम आपको बताएंगे भी।